नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। कल नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 57 मंत्री को शामिल किया गया, जिनके नाम इस प्रकार है: राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डीवी सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मंत्रालय, रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषक कल्याण, रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी भी, हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों का मंत्रालय, हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी पृथ्वी विज्ञान भी उनको मिला है, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण जलवायु वन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पीयूष गोयल रेलवे तथा वाणिज्य उद्योग, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इस्पात, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मिला है उनको, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य कोयला तथा खदान मामले, महेंद्र नाथ पांडेय कौशल विकास एवं उद्यमिता, अरविंद सावंत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, गिरिराज सिंह पशु संवर्धन डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्रालय। इस बार जो मंत्री शामिल किए गए हैं और जो पिछले बार भी जो मंत्री रहे थे वो है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डीवी सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब नेता पिछली बार भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस मंत्रालय में एक खास बात यह भी रही कि इसमें मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से मंत्री पद के लिए चुना गया है। पिछली बार 2016 में भी उनको माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मंत्रालय संभालने को मिला था। इन मंत्रालयों में 6 महिलाओं को मंत्री पद मिला है, जिनमें निर्मला सीतारमण, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जिनमें 3 राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, देवी श्री चौधरी और रेणुका सिंह सरूता, रामविलास पासवान 7वीं बार मंत्री पद मिला है उनको। इसमें एक खास बात यह भी रही कि एस जयशंकर जो विदेश सचिव रहे थे 2015 में एनडीए के सरकार में, उनको भी मंत्री पद में शामिल किया गया है। ओडिशा के प्रताप सिंह सारंगी जब शपथ लेने के लिए आए तो उनका स्वागत तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ हुआ, क्योंकि वह बीजेपी के सिटिंग एमपी को हराकर चुनाव जीता था। मंत्री पद की शपथ लेते समय 8000 दर्शक मौजूद थे, जिसमें पिछली बार सार्क देशों को बुलाया गया था, लेकिन पर इस बार बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया था। बिम्स्टेक देशों में थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि देश शामिल थे। बिम्स्टेक देशों के अलावा 2 अन्य देशों को भी बुलाया गया, जिसमें किर्गिस्तान और मॉरिशियस को आमंत्रित किया गया। पिछली बार सार्क देशों को बुलाने के साथ नवाज शरीफ को बुलाया गया था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पर इस बार बिम्स्टेक देशों को बुलाने के कारण उनको न्योता नहीं दिया गया। मंत्री पद के शपथ में 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार और 25 राज्य मंत्री शामिल किए गए। इस बार गांधीनगर से जीते अमित शाह को गृह मंत्रालय पद संभालने को दिया गया है। कुछ ऐसे मंत्री भी रहे जो पहले मंत्री थे अब नहीं है, वो है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जेपी नड्डा, राधामोहन सिंह, महेंद्र पाल यादव, जयंत सिन्हा, सुरेश प्रभु, मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल। जेडीयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उनको एक मंत्री पद दिया जा रहा था, जिसमें उन्होंने आने से मना कर दिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।